गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट सेकंड ईएएफएम पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट है, और लास्ट जो टॉपिक था अपना वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कंप्लीट किया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड में, और जो कंप्लीट किया था वो भी यूनिट नंबर थर्ड में था, तो वो टॉपिक आप तैयार करना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो, देखिए इसमें अपने को क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूले बेस्ड है पूरा, फॉर्मूले याद करने होंगे। मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा बीपी एनालिसिस क्या होता है, इसलिए आप स्टार्ट से एंड तक इसको देखते रहना कि किस प्रकार से फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। देखिए फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं प्रत्येक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और उस एक्सप्लेन से ही फॉर्मूले क्रिएट किए हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, 11th में आप क्या करते हो, रटाफिकेशन करते हो कि ये रट लीजिए ये रट लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूले हैं तो क्रिएट किए जाते हैं, ये फॉर्मूले हैं तो किसी बेस पर किए जाते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपको यदि पता है कि भाई ये होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके फॉर्मूले क्रिएट किए जाएंगे। तो देखिए इसमें एक तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि अपनी जो कोस्टिंग है उसमें हमने यूनिट नंबर 5th में एक टॉपिक किया था मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक का, तो मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक यदि आपको तैयार की है, आपको अच्छी तरह से समझ में आई है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इसमें होता है फर्स्ट अपना फॉर्मूला है वो सी इक्वल एस माइनस वी। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन और एस का मतलब होता है सेल्स और वी का मतलब होता है वेरिएबल। तो फर्स्ट तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आपको कहे कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में उसको ही कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और यहाँ फॉर्मूले शॉर्ट पे लिखे जाते हैं सी इक्वल क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और एस का मतलब क्या होता है सेल्स, और वी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। तो सी इक्वल एस माइनस वी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, ओनली वेरिएबल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, और सी का मतलब मैंने क्या बताया कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मीनिंग आप ये लगा सकते हो कि ग्रोस प्रॉफिट को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप समझ गए हो कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। किसी बिजनेसमैन को मैं बोलूँ कि भी आपने पर डे कितना प्रॉफिट कमाते हो, तो वो क्या करेगा, सेल्स में से जो भी एक्सपेंसेज है वो लेस करेगा, लेस करने के बाद वो अपना मार्जिन बताएगा। वही देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने कहा कि मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, तो मैंने क्या किया सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस को ये जो टेक्निक है वो क्या करती है इग्नोर करती है, ध्यान में नहीं रखती है, इसलिए सेल्स में से अपने को क्या करना है वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करना है। लेस करने के बाद जो आएगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो लाभ। क्लियर, पॉइंट नंबर सेकेंड, BEP ब्रेक इवन पॉइंट। BEP का मतलब क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट BEP। तो BEP क्या होता है इसके लिए मैं पहले इसको आप मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। BEP का होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंडीशन होती है, दैट इज BEP, उसे ही BEP बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है उसको ही क्या बोलते हैं BEP बोलते हैं। एक अब ये फॉर्मूले है ये कैलकुलेट करने से अपने को क्या नॉलेज देता है, ये अपने को ये बताएगा कि जैसे एफ डिवाइड बाय पीवी रेशियो, इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है ये आपको जो अमाउंट आएगी वो ये क्लियर करेगी कि इस अमाउंट पर, जैसे ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया और अमाउंट है वो 5 लाख, इसका मतलब है कि 5 लाख की सेल्स करते हो, एक अमाउंट आपको 5 लाख बताई इसने, और वो आप काउंट करते हो तो उससे अधिक सेल करोगे तो बेनिफिट होगा, और उससे कम करोगे तो क्या होगा लॉस होगा। बीपी पॉइंट ऐसा होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, इसमें प्रॉफिट भी नहीं होता है बिजनेसमैन को और इस पर लॉस भी नहीं होता है। इससे कम सेल होगी तो आपको लॉस स्टार्ट होगा, उससे अधिक होगी तो प्रॉफिट बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इन रुपीज अमाउंट में बताएगा, और
BEP F/CPU। BEP का दूसरा फॉर्मूला ये भी है F/CPU। ये अपने को इन यूनिट्स बताएगा, इन यूनिट्स, ठीक है। तो अपने को BEP के दो फॉर्मूले हैं, इन अमाउंट और इन यूनिट्स। ये यूनिट्स में बताएगा, जैसे इसका आंसर जैसे आया 1000, तो 1000 का आपको क्या लिखना है, यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि बिजनेसमैन को 1000 रुपये यदि सोल्ड करता हो तो उसको बेनिफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है, और लॉस भी नहीं होगा। इससे कम यदि सेल होने लगी, 1000 यूनिट से कम सेल होने लगी तो क्या होगा, लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इससे अधिक होगी तो बेनिफिट स्टार्ट। इस प्रकार से BEP का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखिए। कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला होता है F/P। F का मतलब फिक्स कॉस्ट और P का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो है PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल C/S/100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अब ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये आपको ये पूछ रहा है कि आप सेल्स पर कितना परसेंट अर्न करते हो, परसेंट पूछा है, ठीक है। आपको कहेंगे GP परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये तो आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था, ये होता ना। तो ये फॉर्मूला PV रेशियो को नया नहीं है, ये आपको ये पूछ रहा है कि सेल्स पर कितना परसेंट अर्न करते हो आप। तो सेल्स पर कितना करते हो, तो सेल्स पर आपको कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट कितना परसेंट अर्न करते हो सेल्स पर, तो आप क्या करते हो, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। वही फॉर्मूला है, देखिए यहां ग्रोस प्रॉफिट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, कंट्रीब्यूशन कर दिया, कंट्रीब्यूशन लिख दिया आपने, समझ में आ गया ना। अब फॉर्मूला आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, C/S/100। ये तो है PV रेशियो का। कभी कभी ये फॉर्मूला चेंज भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है, PV रेशियो इक्वल चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। कभी अपने को ये भी अप्लाई करना होगा। अब आपको कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप्लाई करना है, ये कब करना है, इसकी एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करना है और 90% ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और कंडीशन आए, स्पेशल कंडीशन है तो ये आपको अप्लाई करना है। अब स्पेशल कंडीशन क्या है, 2 ईयर की आपको प्रॉफिट और सेल्स गिवन है, देन ये यूज करना होगा आपको, ठीक है। 2 ईयर के सेल्स और प्रॉफिट या सेल्स और कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो फिर ये C/S/100 वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा, फिर फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेस करना है। चेंज इन सेल्स का मतलब क्या है, करंट ईयर के सेल्स में से लास्ट ईयर के सेल्स को लेस करना है इनटू 100। क्लियर, इस प्रकार से PV रेशियो का फॉर्मूला क्रिएट किया गया, क्लियर। तो आप ये नोट करिए, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। Number 4.
इक्वल प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एमएस कंपनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमएस कंपनी क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल क्या होता है प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पॉइंट जिस पर बिजनेसमैन को बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, उसको बोलते हैं एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। और मैंने क्या कहा कि एमएस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऐसा एरिया, ऐसा पॉइंट जिस पर बिजनेसमैन को क्या होता है बेनिफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन इसकी निकल के आई है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए एमएस इक्वल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टोटल जो सेल्स है उसमें से बीईपी की सेल्स को डिडक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, ठीक है। जो बचा हुआ एरिया होगा वो क्या होगा, एमएस होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अब आप कहोगे सर ये डेफिनेशन वही है, एमएस ये डेफिनेशन है वो एरिया जिसमें सेल्स में बेनिफिट होता है, लॉस नहीं होता है, और ये जो है सेल्स ये क्या है बीपी की सेल्स, इस पर प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, तो टोटल सेल्स में से बीपी की सेल्स लेस कर दीजिए, क्योंकि बीपी से जो अधिक होगी सेल्स उस पर क्या होगा बेनिफिट होगा, बीपी से कम होगी उस पर क्या होगा लॉस होगा। तो आप टोटल जो एनुअल सेल्स है 12 महीने की जो सेल्स है उसमें से आप क्या करिए बीपी की सेल्स लेस कर दीजिए, जो बचा हुआ एरिया है वो एमएस का। क्लियर, नोट कर लीजिए। कभी कभी आपको पूछना कि परसेंटेज ऑफ एमएस बताइए, तो ये लगा देना एमएस परसेंटेज इक्वल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइड में सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, परसेंट काउंट करना एमएस का, डिवाइड में सेल्स करके इनटू 100 कर देना, तो ये परसेंट में है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैन जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको नोट करवाए, एक इक्वेशन है वो भी स्टूडेंट अपने को याद रखनी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अपने, एस इंटू पी वी और एफ प्लस पी, ये अपनी इक्वेशन है, ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको कहेगा कि सेल्स दिस वन प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, फिर कहेगा प्रॉफिट दिस वन सेल्स कैलकुलेट करिए, इससे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। जैसे सेल्स नहीं है तो इसको एक्स मान लेंगे तो वे भी पुट कर देंगे, या इसमें सेल्स ही लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट नहीं है तो आप चाहो तो इसके चार फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे फिक्स कॉस्ट का है, फिक्स कॉस्ट एस इंटू पी वी माइनस फिक्स कॉस्ट का क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना, फॉर्मूले क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका जो इक्वेशन है इससे भी आप हल कर सकते हो। जैसे फिक्स कॉस्ट का तो यूज किया जाता है, इसके फिक्स कॉस्ट का आप सेपरेट लिख लेते, ठीक है। अब पीवी का मतलब पीवी लिख दीजिए या पीवी रेशियो लिख दीजिए, इसमें अपना आंसर है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है, करेक्ट आता है। आप पी परसेंट में लिखते हो तो भी वही होगा, ठीक है। जैसे एक बटे पाँच यहाँ यूज कर दिया, या आपने 20% कर दिया है, कोई भी अंतर नहीं है। 20% करोगे तो आप क्या लिखोगे, 20 की वैल्यू इसको करोगे और उसको काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने फॉर्मूले पी वी लिखवाया है, यहाँ वैल्यू पुट करो पी वी रेशियो की, तो भी आपको पी वी कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 मत करिए,
और पीवी रेशियो करना है इनको 100 कर दीजिए, इसमें का आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए और बातें आपको बताते हैं, जिस फॉर्मूले में पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो आपको अमाउंट में कैलकुलेशन बताएगा, इसमें बताएगा अमाउंट में, तो अमाउंट में बताएगा उसको यूनिट में चेंज करना हो, इसमें करना हो यूनिट्स में, तो आपको क्या करना है अमाउंट डिवाइड में सेलिंग प्राइस, जो भी अमाउंट आए उसको सेलिंग प्राइस से क्या कर देना डिवाइड कर देना, वो यूनिट में चेंज हो जाए, ठीक है। अब यूनिट है इसको अमाउंट में चेंज करना है, यूनिट्स है इसको आपको क्या करना है चेंज करना है किसमें अमाउंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस, समझ में आ रही है बात। आपको किसी को पूछेगा यूनिट बताइए, आप अमाउंट में कैलकुलेशन बता रहे हो, अमाउंट पूछ रहे हैं आप यूनिट बता रहे हो, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में है कि भाई आपका आंसर अमाउंट में आए और वो चाहता है यूनिट में, तो आप सेलिंग प्राइस डिवाइड कर दीजिए यूनिट में चेंज हो जाए, ठीक है, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, लास्ट में जो आंसर है उसकी बात करना। इसी प्रकार से आपका आंसर है वो यूनिट में आया है, वो चाहता है अमाउंट बताइए, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट में चेंज कर दिया जाएगा, क्लियर। तो ये स्टूडेंट अपने फॉर्मूले थे, ठीक है, फॉर्मूले और भी है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इसके फॉर्मूले भी अलग अलग है, बीपी के भी अलग अलग है, बट मेन जो फॉर्मूले है वो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के कन्फ्यूज चल रहे हैं, क्या कन्फ्यूज चल रहे हैं, इस सर ये टॉपिक तो आपने कोस्टिंग में करवाया था और ये कोस्टिंग का है सर के याद नहीं आया, ई एफ एम फर्स्ट लिख दिया है, तो ये कोस्टिंग में भी है और ई एफ एम फर्स्ट पेपर में भी यूनिट नंबर 3rd में है, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में जब मैं स्टार्टिंग से फॉर्मूले लिखवा रहा था ना, तो कुछ के तो ये दिमाग में चलता है कि सर के याद नहीं रहा ये कोस्टिंग में था, तो बेटा ये कोस्टिंग में भी है, ठीक है, और ये ई एफ एम के 3rd यूनिट में भी है, तो आपके लिए जिनके पास ई एफ एम है उनके बेनिफिट रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन वहाँ आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। फॉर्मूले विल बी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही टॉपिक है, आप पोस्टिंग वाला है तो ये ध्यान रखना कि जो इसका पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो हम पोस्टिंग वाली बुक क्यों देखेंगे, ठीक है, बट इसमें देखनी है और ये टॉपिक भी तैयार करके ले जाना है, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं करूँगा, आप रिमाइंड करवाई लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए बेनिफिट रहेगा, कोस्टिंग में भी काम आता है ये और एफ एम में भी काम आता है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले भी हम यूज करेंगे। आप अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बुक है उसमें भी ये टॉपिक है, उसमें भी ये चैप्टर है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन करना इसी तरीके से करना है जैसे पोस्टिंग में किया है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक के न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।